रिबल कर दियो यहाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इन लोगों को देख के। बाद में जब हम बुड्ढे हो जाएंगे ना, तब महक के लिए ना काम आ जाएगा। दिल्ली जी, आज हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अभी बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई है और साथ में ना तेज वाली हवा भी चल रही है। ऐसा मौसम ना काफी दिनों बाद हुआ है और इस मौसम में अच्छा भी लग रहा है और काफी ज्यादा ना दर्द भी लग रही है। एक शाद बो हुए थे बोल बुआरी, अब फर्स्ट बुआरी हा लगा बोलो लून हा ले ठीक कर गा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अपनी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं फिर से बागेश्वर की ओर। और आज के इस सफर में मेरे साथ है महक, मिस्टर जी और साथ में पापा। बागेश्वर जा रहे हैं आज हम लोग घरेलू उपाय करने के लिए। आप लोगों के ना ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि महक की आंखें सही हो गई है क्या करके, तो महक की आंखों से ना अभी भी पानी आ रहा है और साथ में ना पस भी आ रहा है। और मैंने इसके लिए ना काफी सारे आई ड्रॉप भी यूज कर लिए हैं। जब से महक पैदा हो रखी है तभी से हम लोगों ने आई ड्रॉप यूज कर लिया था, लेकिन अभी भी ना मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है। ज्यादा ज्यादा ना आंखों से पानी आते जा रहा है। आज का मौसम भी काफी सुहावना लग रहा है, अच्छी सी धूप खिली हुई है और काफी टाइम बाद ना आज मुझे ना क्लियर मौसम देखने को मिल रहा है। ना महक भी ना ट्रेवल में ना मस्त करके बैठने लग गई है। तो पहले ना जिस दिन हम लोग आधार कार्ड बनाने के लिए लाए थे ना, उस दिन ना ये गाड़ी में गंदा कर रही थी, इसे काफी ज्यादा गंदा लग रहा था, लेकिन ना ये आज मस्त करके बैठी है। घर से ही ना इसने एक बार भी परेशान नहीं कर रखा है, ना ये रोई है और मस्त करके ना इधर उधर देख रही है। थोड़ा बड़ो से लाड़ी बल कर दियो यहाँ। चेल हो। अच्छा। हम लोग बागेश्वर पहुंच गए हैं और बागेश्वर हम लोग जिस काम के लिए आए थे ना, हमारा वो काम भी हो गया है। तो हम लोगों ने ना महक के लिए काफी ज्यादा आई ड्रॉप वगैरह यूज कर लिया था, तो आज हम लोग आए थे घरेलू नुस्खे के लिए। तो ये ना देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ दवाइयों के साथ साथ ना घरेलू उपाय भी चलते हैं, देवी देवताओं को भी माना जाता है। तो हमें ना किसी ने सजेस्ट किया था क्योंकि उनके बच्चों की आंखों में भी पानी आ रहा था और सेम महक की जैसी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने हमें भेजा बूबू जी के पास। और बूबू जी ना हमारे गांव के ही हैं, तो हमारे गांव के सामने जो गांव है डना, तो वहीं के हैं लेकिन रहते बागेश्वर पे हैं। तो बूबू जी ना यहाँ पे ना मतलब झाड़ वगैरह करते हैं, पीलिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसी चीजें, तो बूबू जी ना वो चीजें सही कर देते हैं। तो अभी ना यहाँ पे भी ना महक की आंखें झा रही है, तो देखते हैं सही होती नहीं होती। ऐसे बूबू जी पे ना पूरा भरोसा है क्योंकि बूबू जी ने ना काफी लोगों के यहाँ पे ना प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स भी है जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं दीदी जी। तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर आके, और जैसे मैं यहाँ पर आई ना तो दीदी ने मुझे पहचान लिया था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इन लोगों को देख के। आज यहाँ आके हमें पता चला कि ये हमारे रिश्तेदार है करके। पापा लोगों ने घर पे तो बोल दिया था लेकिन आज हम लोगों ने देख भी लिया है। दीदी भी बता रहे हैं इनका भी ब्यूटी पार्लर है नवदुर्गा करके। नवदुर्गा ब्यूटी पार्लर है चौक बाजार में कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आप लोग एक बार विजिट कीजिएगा दीदी के ब्यूटी पार्लर में। तो यहाँ पे ना पूरी फैमिली बिजी है और कभी हम लोगों को ना मेकअप वगैरह करना होगा तो दीदी के वहाँ आ जाएंगे हम लोग। आज पता चल गया कि दीदी का मेकअप वाला है करके। दिल्ली जी, आज हमारा काम यहाँ पर हो गया है, तो अब हम लोग भी चलते हैं घर की ओर। बाकी ना दीदी जी ना आगे निकलने वाली थी अपने काम पे लेकिन हमारी वजह से रुके हुए थे, तो अब दीदी भी जा रहे हैं अपने पार्लर पे और हम लोग भी चलते हैं घर पे और फिर से मुलाकात होगी फिर कल। बाबू कल मिलते हैं। हाँ बोल ना। हाँ बोल जी। अब हम लोग भी निकलते हैं घर की ओर और हम लोग ना बागेश्वर सिर्फ इसी काम के लिए आए थे। और यहाँ पर ना अभी काफी ज्यादा गर्मी होने लगी है, थोड़ी देर ना हमारी गाड़ी धूप में खड़ी थी तो ना काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, उमस टाइप का हो रहा है, तो फटाफट से चलते हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं कपकोट और आज ना गर्मी से हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। और हम लोग ना मार्केट की ओर आए थे तो हम लोगों ने सोचा एक राउंड ना पोस्ट ऑफिस पे चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने ना महक का खाता खोलना है। तो हम लोग ना महक का सुकन्या वाला खाता खोल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग ना कपकोट के पोस्ट ऑफिस पर आ रखे हैं। बाद में जब हम बुड्ढे हो जाएंगे ना तब महक के लिए ना काम आ जाएगा। तो सुकन्या ना 21 साल के लिए होता है, तो तब तक ना पढ़ाई वगैरह करने में 12th वगैरह कर लेगी, फिर उसके बाद में ना जो इसे कोर्स करना होगा ना, तो हम लोग ना इसके लिए आज से जमा कर रहे हैं कि ना महंगाई इतनी ज्यादा हो गया है, उस टाइम पे ना कैसा हो क्या ना, तो अभी से ना थोड़ा थोड़ा करके ना हम लोग ना महक के बैंक बैलेंस बनाते हैं, है ना। हाँ, तो अभी ना देवरानी जी लोग भी यहाँ पे आए हैं, वो भी नमन का खाता खोल रहे हैं, तो दोनों भाई बहन का खाता ना एक ही दिन खोल रहे हैं हम लोग। कभी डाकघर पे आ गए हैं और यहाँ पे ना देवरानी जी लोग भी आए हुए हैं, नहीं देख ले रहा।
नमो कहाँ आए हो आप, कहाँ आए हो आप? चिली जी यहाँ का काम भी हमारा हो गया है और देवरानी जी लोग भी ना नीलू लेके आए थे घर से। हम लोग भी घर पे पहुँच गए हैं और मम्मी ने ना यहाँ पर दिन का लंच भी बना लिया है, तो अब हम लोग ना टेस्टी सा लंच कर लेते हैं क्योंकि ना भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, दिन के एक बज चुके हैं और मम्मी भी यहाँ पे ना हमें रुके हुए थे, तो अब हम लोग खाना खा लेते हैं। शाम का समय है और मैं मम्मी लोगों के लिए यहाँ पे ना शाम की चाय भी बनाने लगी हूँ। और हमारे घर आने के बाद ना मौसम तो ख़राब चल ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अभी ना से बारिश भी स्टार्ट हो गया है और बारिश ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और बारिश आने के बाद ना गांव वाले भी खुश हो गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से ना धुंध छाई हुई थी, तो बारिश के वजह से ना कल मौसम ना साफ रहेगा। और हम लोगों को ना उम्मीद नहीं थी कि बारिश ना इतनी होगी करके, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है और हम लोगों ने ना टिन लगाए हैं, तो टिन के वजह से ना बारिश की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है और साथ में ना तेज़ वाली हवा भी चल रही है, ऐसा मौसम ना काफ़ी दिनों बाद हुआ है और इस मौसम में अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा ना डर भी लग रही है। बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अंधेरा होने को है, लेकिन अभी बस शाम के 4 बजे हुए हैं तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी है। मैग भी सोई हुई है तो मैं ना रात की सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। आज रात की सब्जी में हम लोग ना आलू शिमला मिर्च और न्यूट्रेला की मिक्स वेज बनाने वाले हैं। बारिश कंटिन्यू चली रही है, बारिश हुए 1 घंटा हो गया है और बारिश ना काफ़ी ज़्यादा तेज बढ़ने लगी है और हमारे ना बरामदे में भी पानी आना लगा बहुत यहाँ पे, और साथ में ना सोफा भी पूरा भीग चुका है, ना लाइट है यहाँ पे, ना मम्मी भी पैसे। पहले तो बारिश हुई जब तो सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन ना अब इस बारिश से डर भी लगने लग गया है क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और बारिश अभी भी चली रही है और ज्यादा ना बढ़ते जा रही है। आज ना सोफा भी पूरा भीग चुका है और यहाँ पे भी ना ओले आ रखे हैं, ये देखो ये तो यहाँ तक ना ओले आ रखे हैं। अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं और अब जाके ना बारिश थोड़ी सी कम हो रखी है, बाकी ना आसमान में अभी भी ना बादल गरज ही रहे हैं और बारिश कम होने के बाद ना धीरे धीरे करके मौसम खुलने लग गया है और फिर से ना उजाला होने लग गया है। थोड़ी देर पहले ना 4 बजे ही अंधेरा जैसा लग रहा था। आज हमारे गांव में ना पूरे 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई और अभी ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद ना अभी ना ठंड भी बढ़ गई है, तो हम लोगों ने आग जला लिया है और आग जलाया है तो वहीं पर आग भी सेकते हैं और साथ में ना सब्जी भी बना लेते हैं। आज का खाना हमारा चूल्हे पे बन रहा है और आज ना सब्जी मम्मी बना रहे हैं, तो चूल्हे की ना टेस्टी सी सब्जी वो भी मम्मी के हाथों की आज हमें खाने को मिलने वाली है। एक साग दो हुए थे बोल बुआरी, अब फर्स्ट बुआरी हा लगा बोलो लून हा ले ठीक कर गल, दूसरा आई बोलो लून तो हाँ लून हाल दिया वो और आग ताबन दो उसका ससुर आग ताब रहा होगा, तीसरी आई बोला साग थोड़ा हिला ही लेकर थोड़ा नमक थोड़ा मिर्ची और डाल दिया उसने भी ससुर ने कुछ नहीं बोला बोल, साथ ये सात बहू ने उसमें नमक डाल दिया, आज मेरे ससुर ने सारा निकाल गया सारा एक दूसरे से नहीं बोलते होंगे या नहीं पूछ रहे होंगे पता नहीं। लोगों ने आग जलाई थी तो हम लोगों ने सोचा आज रोटी ना चूल्हे पे ही बना लेते हैं, तो आज काफ़ी टाइम बाद ना हम लोग चूल्हे की रोटी खाएंगे और आज हम लोग ना गुमनुए की रोटी बना रहे हैं, गेहूं और मडुए का आटा मिक्स करके आज रोटी बन रही हैं।